रिसेंट पास्ट में हुई आम्फान साइक्लोन के दौरान हमारे गार्डन में बहुत सारे पेड़ गिर गए। ये है एक गुआवा ट्री की ड्राई स्टेम, जिन्हें यूज़ करके आज एक इंटरेस्टिंग डीआईवाई आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। क्या है वो डीआईवाई आइटम देखने के लिए प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ वीडियो की एंड तक। हाय, आई एम रिया एंड यू आर वाचिंग फाइंड हैप्पीनेस इन सिंपल थिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गुआवा ट्री की ड्राई स्टेम को हमने 3 सेक्शंस में कटवा लिए हैं। इनमें से जिस सेक्शन की हाइट सबसे लंबी है उसे आज मैं यूज़ करने जा रही हूँ। तो इसकी जो हाइट है ये है 4.5 फीट। नेक्स्ट, इस छोटे वाले ड्राई स्टेम को ये मेन स्टेम की ऊपर वाले हिस्से में इस तरह से अटैच करनी है। इसे अटैच करने के लिए कोई भी रोप से इसे हम बांध सकते हैं, जैसे कि ये जो जूट रोप है इसकी मदद से हम इस तरह से इसे बांध के अटैच कर सकते हैं। बट मैं कुछ अलग ट्राई करने वाली हूँ, इसलिए आप देख सकते हैं रेट मार्कर से मैंने 45 डिग्री एंगल में यहाँ पे मार्क कर लिया है। इस मार्क के अकॉर्डिंग अभी मैं इसे काटने वाली हूँ। तो इसे काटने के लिए मुझे चाहिए वुड कटर, तो इस टाइप की वुड कटर मैंने परचेस की है। अभी मैं मार्किंग के अकॉर्डिंग इसे काट रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं स्मॉल ड्राई स्टेम को 45 डिग्री एंगल में काट लिया है। अभी इसे इस तरह से इस जगह में स्टिक करनी है। स्टिक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एमसिल। एमसिल की एक पैकेट में 2 डिफरेंट टाइप्स की मिक्सचर आती है, जिन्हें इक्वल क्वांटिटी में लेके एक साथ मिक्स करके एक डो टाइप बनानी पड़ती है। अभी मैं उस डो को ही बना रही हूँ। मैं इस एमसिल मिक्सचर को दोनों स्टेम की जॉइंट एरिया में कुछ इस तरह से लगा रही हूँ, जिस तरह से दोनों पाइप की जॉइंट एरिया हो या पाइप में कोई भी लीकेज हो वहाँ पे एमसिल मिक्सचर यूज़ करके हम उसे जॉइन करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 2 स्टेम की जॉइंट एरिया में एमसिल मिक्सचर लगा के हम दोनों स्टेम को आपस में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैंने लगा दिया है। अभी इसे 90 मिनट्स इस तरह से लगा के रखना है ताकि ये एमसिल अच्छे से सूख के स्ट्रॉन्ग बन जाए। नेक्स्ट, मैंने लिया है इस टाइप की प्लास्टिक की पुरानी बकेट, जिसके नीचे की तरफ फट गई है, इसलिए मैंने सिलो टेप लगा दिया है। और चाहिए 3 पैकेट्स ऑफ वाइट सीमेंट। तो ये सीमेंट निकाल के एक बकेट के अंदर डाल के उसके साथ वाटर मिक्स करके मैं एक सीमेंट की पेस्ट बनाने वाली हूँ। सीमेंट की पेस्ट रेडी है। अभी इस बकेट के अंदर की तरफ मैंने ऑयल लेके, कोई भी कुकिंग ऑयल हो उसे लेके अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ। इसके बाद आज जो सीमेंट की पेस्ट मैंने बनाई है उसे इस बकेट के अंदर मैं डाल दूँगी। पेस्ट बकेट के अंदर डालने के बाद कुछ टाइम के लिए इसे टैप करते जाना है ताकि पेस्ट के अंदर कोई भी वाटर बबल्स रहे वो ऊपर की तरफ आके फट जाए। भी इस पेस्ट के मिडिल हिस्से में ड्राई स्टेम को धीरे धीरे अंदर की तरफ बिठा देना है और इस तरह से इसे ओवरनाइट रखना है ताकि ये सीमेंट अच्छे से जम जाए। और जम जाने के बाद इस ड्राई स्टेम के नीचे एक बेस बन जाए ताकि ये ड्राई स्टेम फ्लोर में स्टैंड कर सके। तो इस तरह से मैंने इसे सपोर्ट देते हुए रखा है।
तो इसे डबल सपोर्ट देने के लिए, ताकि ये जो स्टेम है ये इधर उधर ना हो जाए, इसीलिए इस तरह से दोनों साइड पे मैंने ब्रिक रखे हुए हैं और इसी तरह से इसे ओवरनाइट मैं रख दूंगी ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। 24 आवर्स के बाद मैं ब्रिक्स को निकाल रही हूँ। नीचे जो सीमेंट बेस थी वो अच्छे से ड्राई हो गई है। सीमेंट की बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए मैं एक मग पानी इसमें ऐड कर रही हूँ और इस तरह से इसे और एक दिन मैं रख दूँगी। नेक्स्ट डे पानी मैंने निकाल लिया है बकेट के अंदर से। अभी ये जो स्ट्रक्चर है इसे बकेट से निकालनी है। मैंने ऑयल ग्रीस कर ली हुई थी, इसीलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से ये निकल आएगी। ये निकल आने के बाद इसे थोड़ी सी टाइम देना है ताकि नीचे की तरफ थोड़ी बहुत जो पानी है ये अच्छे से ड्राई हो जाए। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट स्टेप। तो सीमेंट की स्ट्रक्चर अच्छे से ड्राई हो गई है। अभी मैं एक सैंड पेपर से इसके ऊपर जो भी अनइवननेस है इसे स्मूथ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ड्राई स्टेम के ऊपर एक इंटरेस्टिंग डिज़ाइन ड्रॉ करने जा रही हूँ। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक कलर्स। सबसे पहले मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर को यूज़ करके इस स्टेम के ऊपर डिफरेंट थिकनेस की बैंड्स मैं बनाऊंगी। ये जो बैंड्स है ये इसकी जो थिकनेस है ये सेम नहीं होगी। कुछ कुछ बैंड्स मैं थिक बनाऊंगी, कुछ कुछ बैंड्स मैं थिन बनाऊंगी। तो इस टाइप की मल्टी कलर बैंड्स ड्रॉ करके मैं इस पूरे स्टेम को भर दूंगी। सो नाउ यू कैन सी मैंने मल्टी कलर की बैंड से इस पूरे स्टेम को कलरफुल बना दिया है। अभी मैं इसके ऊपर ट्राई करने जा रही हूँ एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म, इसे कहते हैं ट्राइबल आर्ट। इस आर्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट के ऊपर छोटे छोटे डिफरेंट शेप्स की जियोमेट्रिक पैटर्न्स ड्रॉ की जाती है। तो अभी मैं इस पूरे स्टेम के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की छोटे छोटे जियोमेट्रिक पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपको पेंटिंग ब्रश यूज़ करके जियोमेट्रिक पैटर्न्स बनाना डिफ़िकल्ट लगती है तो इस टाइप की परमानेंट मार्कर से आप आसानी से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ये ट्राइबल आर्ट फॉर्म इसके ऊपर ड्रॉ करने के बाद। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें अभी करना बाकी है, तो इसके बाद मेरी जो पेंटिंग पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगी। नीचे जो सीमेंट की बेस है इसके ऊपर मैं वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर रही हूँ। प्रीवियस बहुत सारे
वीडियोस में मैंने मेंशन की है कि पेंटिंग करने के बाद और डेकोपाज करने के बाद उसे सील करने के लिए, वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक कोट डेकोपाज ग्लू या फिर क्लियर वार्निश यूज़ की जाती है। अगर आपके पास ये सब अवेलेबल नहीं है तो वाइट ग्लू और वाटर को 1:1 रेशियो में मिक्स करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्प्रे वार्निश या डेकोपाज ग्लू की लिंक चाहिए तो इसके लिए मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। तो ये है पेंटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मेरी ड्राई स्टेम स्ट्रक्चर की फाइनल मेकओवर लुक। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड यूनिक लग रही है, बट अभी तक मैंने रिवील नहीं की है कि ये स्ट्रक्चर मैंने किस पर्पस के लिए बनाई है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ज़रूर पता लग जाएगी। नेक्स्ट DIY के लिए यहाँ पे है जूट थ्रेड, सीजर एंड फेविकॉल ग्लू, और जो मेन चीज़ है वो है ये बल्ब होल्डर विथ वेयर। जी हाँ, मैं एक फ्लोर स्टैंडिंग लैम्प बनाने जा रही हूँ, तो अभी इस बल्ब होल्डर विथ वेयर को एक मेकओवर लुक देनी है। इसके लिए मैं इस होल्डर के ऊपर अभी फेविकॉल ग्लू अप्लाई कर रही हूँ और इसके ऊपर जूट थ्रेड डाल के इस पूरे होल्डर एंड वेयर को जूट रोप से मैं कवर कर दूंगी। तो होल्डर पोर्शन कवर करना कंप्लीट हो गई है, ये वायर पोर्शन अभी बाकी है। सेम प्रोसेस में मैं इस पूरे वायर को जूट थ्रेड से कवर कर दूंगी। अब ये बल्ब होल्डर विथ वेयर रेडी है यूज करने के लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर फाइनल सेटअप ऑफ द फ्लोर लैम्प। ये DIY वीडियो यहाँ पे ही एंड होती है। इस टाइप की और भी इंटरेस्टिंग DIY वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।